हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मामला थोड़ा डाउन है और आईपी लीट के लिए बच्चे बार बार जो डाउट है उनके, मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। हालत तो ठीक नहीं है, अलाउ तो नहीं कर रही थी, पर मैंने कहा कि यार इंडिविजुअल का रिप्लाई करने के बजाय 2-4 मिनट की वीडियो बना देता हूँ। इस वीडियो के लास्ट में मैं हरियाणा लिटिल एंट्री भी कवर करूंगा और लास्ट में मैं MUT और UPTU भी कवर करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं आईपी दिल्ली वाले बच्चों के लिए। भाई सबको पता है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हुई हुई है, ठीक है। 20 तारीख लास्ट डेट है आपकी चॉइस फिल करना और उसको लॉक करने के लिए। चॉइस फिल करनी है आपने और लॉक करना है। तो मेरी आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है बेटे कि आप आज की डेट में ही अपनी चॉइसेस लॉक कर देना जी, ठीक है। ये हमारा, मैंने ये बच्चे का खोल रखा है, ये हमारा वही बच्चा भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। इसने 49872 और ये पी, ये हमने डाल दिया जी कैप्चा, ठीक है। सिक्योरिटी पिन डाल दी, ओके करा, प्रोसीड करा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसके पास 92 चॉइस थी। ये वही बच्चा है बेटे जो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था फर्स्ट काउंसलिंग में, इसने मात्र 6 या 7 चॉइसेस फिल करी थी। अब ये वही बच्चा, इसने 52 चॉइसेस फिल करी हैं और अनफिल्ड इसकी 40 हैं। 87 रैंक के बावजूद भी इसने 52 चॉइसेस फिल करी हैं। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जो डाउट आ रहा है, सर ये हमारा राउंड है 3, लेकिन जब हम चॉइस लॉक करते हैं, जैसे इसने लास्ट विजिट करा था आज 10:19 पे इसने अपनी चॉइसेस को लॉक करा है, ठीक है। तो प्रिंट लॉक चॉइसेस में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे लॉक्ड में यहाँ पे 2 नंबर दिखा रहा है, जबकि ये जो काउंसलिंग है ये थर्ड, मतलब जो राउंड है ये थर्ड नंबर है, ठीक है। तो आपका भी 2 दिखाए तो आपको टेंशन ही लेनी है। अभी 20 रैंक वाले बच्चे का भी मेरे पास मैसेज आया था, अभी 12 रैंक वाले बच्चे का भी मैसेज आया था। वो बोलने लगा कि सर ये जो यहाँ पे ना सेकंड दिखा रहा है, तो सेकंड के लिए आप घबराना मत, ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको सेकंड नंबर दिखा रहा है तो घबराना नहीं है, थर्ड राउंड ही है आपका रिजल्ट जो आएगा वो थर्ड राउंड का ही आएगा, ठीक है बेटे। ये देखो बच्चे ने अपनी चॉइसिस, इसको कंप्यूटर चाहिए तो इसने USICT की कंप्यूटर IT भर रखी है, फिर महाराजा अग्रसेन की, फिर सूरजमल की, फिर अग्रसेन की, फिर सूरजमल की, ऐसे करके इस बच्चे को 13 नंबर वाली चॉइस मिली हुई है फिलहाल तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। लेकिन इससे इसने क्या करा, इससे ऊपर वाली इसे चाहिए, तो इसने फ्लॉट करा हुआ है बेटे, ठीक है। फ्लॉट विलिंगनेस में फ्लॉट करा हुआ है, ठीक है। और पेमेंट बच्चे ने कर रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि थर्ड राउंड में इसकी चॉइस जो है अपग्रेड हो जाएगी, मतलब 13वें नंबर के ऊपर चली जाएगी। लेकिन इसने नीचे भी आपको दिख रहा होगा बहुत सारे कॉलेज डाल दिए हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है जी आपको, कोई दिक्कत किसी तरह की, ठीक है। आईपी के सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 20 लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करेंगे, वो कल कर लेंगे, आज कर दें या फिर वो कल अपनी चॉइस को लॉक कर ले। वैसे आज कर दे तो बढ़िया है। दूसरी बात क्या है, जो बच्चों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नए सिरे से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप नए सिरे से कर सकते हो। कई बच्चे बार बार क्वेरी कर रहे थे कि अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं थर्ड में एलिजिबल हूँ। हाँ जी, थर्ड में आप रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। क्या आईपी वाले बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है, तो नीचे जय माता दी लिखना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। GCC में अगर आपके कोई जूनियर भाई बंधु तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो हमें हमसे रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच और ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को पता है कि 13 साल से हम सिर्फ लीट ही पढ़ाते हैं, तो लीट के लिए जो हमसे बन पड़ेगा वो बढ़िया करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लीट कोचिंग GCC के नाम से। अब MUT पे चलता हूँ मैं डायरेक्ट गोरखपुर में, जो कि MUT आज लास्ट डेट है जी। अगर मुझे कल मत कहना कि सर मैंने MUT का तो फॉर्म नहीं भर पाया, अभी 18 तारीख है, 11 बजे हैं, 18 तारीख को 5 बजे के बाद ये विंडो आपके लिए फिनिश हो जाएगी। तो पहली बात तो लास्ट डेट तक वेट नहीं करना चाहिए,
अगर आप वेट कर भी मतलब आपको लग रहा था कि नहीं या नहीं पता था तो फटाफट जाओ और MMUT का हाथों हाथ ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, हाथों हाथ ही वहाँ पे चॉइस फिलिंग होगी और आपका 20 तारीख को फर्स्ट राउंड, 19 तारीख को मेरिट आ जाएगी कि कितने आपकी कितनी रैंक बन रही है, और 19 तारीख को मेरिट के बाद 20 तारीख को आपका फर्स्ट रिजल्ट आ रहा होगा। उसके बाद 20 से 22 में आपको फ्रीज फ्लोट करना है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी टेक AKTU की 20 तारीख लास्ट डे, 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है, 22 तारीख का वो है। अगर इसमें मुझे लगता है कि ये शायद एक दो बार मतलब ये शायद दोबारा भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन हमें एक्सटेंड के लिए वेट नहीं करना है। अगर AKTU के बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो हमने स्टेप बाय स्टेप AKTU का भी MMUT का भी बना रखा है, वहाँ पे जाके चेक कर लो। उसके बाद आते हैं हम लास्ट हरियाणा लीट के अपडेट पे। हरियाणा लीट का हरियाणा में भी रिजल्ट आ गया है, दिल्ली में भी रिजल्ट आ गया है, तो आपको 6 के 6 सेमेस्टर का रिजल्ट लगाना है। किसी के पास मार्कशीट नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट अपने, जैसे हरियाणा में उनका सॉफ्ट कॉपी में होता है, तो सॉफ्ट कॉपी का स्क्रीनशॉट लेके 6 स्क्रीनशॉट लेगा और वो अपलोड कर सकता है। अगर वेरिफिकेशन ऑफिसर को कोई डाउट होगा तो वो आपसे मोबाइल मतलब व्हाट्सएप के थ्रू से अपना रिजल्ट जो है वो मंगवा लेंगे। कई बच्चे कह रहे हैं कि हमारी क्वालिटी डिक्रीज हो गई है ना, क्योंकि कई बच्चों को जैसे दिल्ली में बच्चों को प्रोविजनल अभी नहीं मिल रहा, लेकिन उनके पास 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है। अगर 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है तो आप उसकी क्वालिटी डिक्रीज होने के बाद भी, मैंने आपको बताया था आई, और यहाँ पे आप गूगल पे लिखो मुझे PDF कंप्रेस करनी है, 100 PDF कंप्रेस 100 अंडर 100 KB, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ तो ये 11 ZON, 11 ZON ये BigPDF.11.ZON ये हमारी वेबसाइट है जो कि आपको 100 KB से नीचे आपको साइज दे देती है। मान लो मैं कोई भी PDF सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करी, ठीक है। सिलेक्ट करने पे मैं इसको अगर मैं 100% कर दूंगा और कंप्रेस करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसने 75 KB स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसने 75 KB का बना दिया। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने तो पहले ही 70 KB लिया था, तो मैंने इसी वेबसाइट से कर रखा था ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ पे 500 KB का भी लूंगा तो भी वो 100 KB का कर देगा, लेकिन जैसे मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो ये पढ़ने वाला नहीं होगा। जिन बच्चों का 6ठे सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं भी है ना, वो अपना कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी लगा सकते हैं। तो हरियाणा वाले बच्चों को कह रहा हूँ, दिल्ली वाले जो बच्चे हैं जिनकी परसेंटेज 80 या 85 से ज़्यादा है, वो जरूर जरूर हरियाणा लीट का फॉर्म जो है अप्लाई करें। बाद में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि गुरुजी मैंने, जैसे इसमें कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा तो वेरिफिकेशन ऑफिसर आपके मोबाइल से, आपके सीनियर का भी ऐसा होता था, आपके सीनियर ने भी वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बता रखा है, और वैसे भी जो GCC के बच्चे थे उन्होंने भी बता रखा है कि वो व्हाट्सएप से आपसे 6 की 6 सेमेस्टर की मार्कशीट मांग लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर आपकी सारी बातों का अगर मैंने जवाब दे दिया हो तो नीचे जय माता दी लिखना मत भूलना, लव यू सर लिखना मत भूलना, जय भारत जय हिंद लिखना मत भूलना, ठीक है। बस यही है, इसी के चलते यही हमें ऊर्जा देता है भाई, आपकी ऊर्जा से तो हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और फिर दोबारा से मैं आपको कह दूं कि अगर GCC से आप लीट कोचिंग करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया लीट के लिए, चाहे पंजाब लीट के लिए, चाहे स्लाइड लीट के लिए, चाहे नीरिस्ट लीट के लिए, JEE लीट के लिए, IP के लिए, DTU के लिए, ठीक है, BCEC लीट के लिए, MMUT, CUET, किसी भी लीट के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नीचे दिया हुआ नंबर 8744-88-6600। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर।